माणकचुक थाना क्षेत्र अंतर्गत सिलावटों का वास हरिजन बस्ती में पुरानी रंजिश को लेकर मोहल्ले के ही पांच युवकों ने मिलकर मृतक प्रवीण उर्फ पप्पू पिता संजय रानवे जाति हरिजन उम्र 20 साल निवासी शनि मंदिर के पास हरिजन बस्ती सिलावटों का वास रतलाम की चाकू मारकर हत्या कर पांचों युवक फरार हो गए थे। थाना माणक चौक पर पांचों युवकों के विरुद्ध मृतक के भाई की रिपोर्ट पर धारा 302, 147, 148 में प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपियों की तलाश की जा रही थी। माणक चौक थाना प्रभारी रणजीत सिंगार के नेतृत्व में फरार आरोपियों की धरपकड़ हेतु टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा आरोपी गणों की धरपकड़ के लगातार प्रयास किए जा रहे थे। 31 मई को गठित टीम द्वारा मुखबिर सूचना पर गांव इसरथुनी झरने के पास जंगल में सभी आरोपी गण विकास उर्फ विक्या पिता मंगल गोयर निवासी हरिजन बस्ती सिलावटों का वास रतलाम, आशु उर्फ रव पिता आनंद चावरे निवासी कुलकर्णी का भट्टा परदेसीपुरा इंदौर हाल मुकाम रतलाम, आदित्य पिता संजय मेहरोलिया निवासी हरिजन बस्ती सिलावटों का वास रतलाम, अनिकेत उर्फ तोतू पिता मंगल गोयर निवासी हरिजन बस्ती सिलावटों का वास रतलाम, एक विधि विरुद्ध बालक को दबिश देकर गिरफ्तार किया। आरोपी गण से घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। जावरा नगर के रावण द्वार क्षेत्र स्थित श्री रणजीत हनुमान मंदिर परिसर में बने भोलेनाथ मंदिर से एक महिला दान पेटी चोरी करके ले गई। सीसीटीवी फुटेज में पूरा घटनाक्रम स्पष्ट हो गया। सिटी पुलिस ने जांच शुरू की है। जानकारी के अनुसार घटनाक्रम गुरुवार शाम करीब 4:22 बजे की है। एक महिला बड़ा झोला लेकर मंदिर में प्रवेश करती है और शिवलिंग के समीप रखी दान पेटी उठाकर झोले में रख कर वापस चली जाती है। मंदिर समिति सदस्य दीपक पोरवाल समेत अन्य साथियों को जब घटनाक्रम मालूम हुआ तो उन्होंने मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले और फुटेज के साथ सिटी पुलिस थाने में आवेदन दिया है। मंदिर समिति सदस्यों के मुताबिक करीब 6 महीने से दान पेटी नहीं खुली थी, इसलिए उसमें हजारों रुपए होने का अनुमान है। सिटी थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह जादौ ने बताया कि फुटेज के आधार पर महिला की तलाश की जा रही है। 4:22 की बात है, चार बाईस पे कौन था मंदिर में? कोई नहीं था। 4 बजे कौन था मंदिर पे? अभी को मेन फ्रंट से कैमरा से देख लाएंगे। एक मिनट बना दो, दो भी बेच सके, एक सयान नकली है और दूसरी बिक्री कोई है। हाँ, दूसरी है। भारतीय स्त्री शक्ति संगठन का 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग बिबरोद रोड स्थित जयंत सेन धाम में शुरू हुआ। जिला अध्यक्ष सविता तिवारी ने बताया कि 7 वर्गों में हो रहे इस वर्ग में स्त्री शिक्षा, स्त्री आत्मनिर्भरता, कुरीतियों को समाप्त करना तथा महिलाओं में जागरूकता लाने का मुख्य उद्देश्य है। शिविर में राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर मनीष कोठेकर, प्रांतीय अध्यक्ष किरण शर्मा सहित मध्य प्रदेश के 17 जिलों की 150 से अधिक महिला प्रतिनिधि भाग ले रही हैं। शिविर में नारी शिक्षा, कुछ समुदायों द्वारा परंपरा के नाम पर करवाए जा रहे देह व्यापार से मुक्ति तथा महिलाओं को अत्याचार से कैसे बचाया जाए, इस विषय पर चर्चा हुई। जैसे आपने कहा कि हम सरकार तक आवाज नहीं उठा सकते हैं, जरूर उठा सकते हैं। आप अगर पुलिस में भी जाएंगे, अगर कोई शिकायत दर्ज करने के लिए, तो पुलिस वाले पूछेंगे कि आपके पास क्या सबूत है कि ये है। रतलाम में बीती रात को हवाला कारोबारी के घर हुई रेड खत्म हुई और चर्चाओं का बाजार गर्म था ही कि शुक्रवार रात रतलाम में शराब बार पर जीएसटी सर्वे शुरू हो गया है।
रतलाम के कुछ शराब बार पर जीएसटी टीम जांच कर रही है। अभी 3 शराब बार पर जीएसटी टीम के सर्वे की जानकारी मिली है। अब देखना यह होगा कि यह सर्वे कब तक चलता है और क्या कुछ इसमें निकल कर सामने आता है। फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी इस सर्वे को लेकर सामने नहीं आई है।